हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो का रेडमी K20 के साथ। यहाँ पे हम कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट से लेकर बैटरी रेंज, बैटरी चार्जिंग से लेकर लगभग हर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये किस तरह की भागी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि रेडमी नोट 7 प्रो की MIUI 10.3.12 अपडेट आ गई है। उसके बाद ये काफ़ी स्टेबल वीडियो कैप्चर करने लगा है। जो फ्रेमिंग्स होती थी वो नहीं हो रही है, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो उसके बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसका रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो का रेडमी K20 के साथ। यहाँ पे हम कैमरा टेस्ट से लेकर स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग से लेकर लगभग हर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपको ये बताएंगे कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो की MIUI 10.3.12 अपडेट आ चुकी है, जो इसकी एक मेजर अपडेट थी जिसमें इसका जो कैमरे का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे कैमरा टेस्ट भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके साथ साथ कंप्लीट टेस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो Redmi K20 में आपको ट्रिपल कैमरा रेयर में मिल रहा है, जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर है सोनी का IMX582, 8MP का टेलीफोटो लेंस है और 13MP का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाएगा। जबकि Redmi Note 7 Pro में 48MP का प्राइमरी सेंसर है, सोनी का IMX586 और 5MP का डेप्थ सेंसर है। सोनी का IMX582 और 586 के बीच में कोई माइनर डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आपको 586 में मिल जाता है जो 4K 60fps का। उसके अलावा आपको दोनों के बीच में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मैक्रो शॉट्स की बात करें तो मैक्रो शॉट्स हमने अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में काफी सारे कैप्चर किए हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस मिली जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों का वाटर मार्क ही चेंज हुआ है बस, बाकी दोनों का कलर रिप्रोडक्शन से लेकर डिटेल कैप्चर करने का एल्गोरिदम हमें एग्जैक्ट सिमिलर लगा कुछ इमेजेस में। लेकिन जैसे जैसे आगे इमेजेस कैप्चर करने लगे हमें दोनों के बीच में जो माइनर डिफरेंस था वो पता लगने लगा। सबसे पहले तो Redmi Note 7 Pro कुछ सिचुएशन में वाइट टोन में जाता है और खासतौर से ये आइडियल कंडीशन होती है, और उन्हीं सिचुएशन में K20 थोड़ा सा सैचुरेशन लेवल, कलर्स का सैचुरेशन लेवल बढ़ा के इमेज कैप्चर करता है। इसलिए आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, थोड़े पंची कलर शो हो रहे हैं K20 में, जबकि Redmi Note 7 Pro यहाँ कंपैरिजन वाइज थोड़े वाइट टोन में है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इमेजेस भी मिल रही थी जहाँ Redmi Note 7 Pro काफी डिटेल के साथ मैक्रो शॉट कैप्चर कर रहा था कंपैरिजन वाइज K20 के, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ मिक्स रिजल्ट ही देखने को मिल रहा था। K20 और Redmi Note 7 Pro दोनों के मैक्रो शॉट हमें लगभग सिमिलर लग रहे थे, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका कैमरा अच्छा है इसका। दोनों के ही कैमरे काफी अच्छे हैं, सैचुरेशन लेवल और वाइट बैलेंस कंट्रोल का माइनर डिफरेंस है। इसके बाद जब हमने 48MP वाला मोड स्विच करके इमेजेस कैप्चर करी, दोनों के ही 48MP वाले मोड से इमेजेस कैप्चर करी हैं, हमें यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों की इमेज में लगा वो वाइट बैलेंस कंट्रोल का है। थोड़े से वार्म टोन में या येलो टोन में इमेजेस कैप्चर करता हूँ नजर आया Redmi K20 कंपैरिजन वाइज Redmi Note 7 Pro के, ये वाइट बैलेंस के बीच में डिफरेंस था। और अगर डिटेल कैप्चर करने की बात करें तो डिटेल दोनों ही लगभग सिमिलर कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि K20 ज्यादा कर रहा है या फिर Redmi Note 7 Pro, दोनों की ही इमेज की क्वालिटी हमें एग्जैक्ट सिमिलर लग रही थी। और अगर हम यहाँ पे दोनों के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में भी हमने काफी अलग अलग कंडीशन और सिचुएशंस में इमेजेस कैप्चर करी हैं, और यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी कंडीशंस मिली जहाँ लग रहा था कि दोनों का वाटर मार्क चेंज हुआ है, बाकी कलर रिप्रोडक्शन से लेकर डिटेल कैप्चर करने का एल्गोरिदम दोनों का एग्जैक्ट सिमिलर है। क्योंकि यहाँ पे Xiaomi के ही दोनों डिवाइस हैं और लगभग सिमिलर कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है, तो आपको इमेजेस में उतना मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ जो डिफरेंस होगा वो माइनर ही होगा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें मिल रही थी जहाँ K20 कुछ येलो टोन में जाता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि येलो टोन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा था, वार्म टोन के साथ इमेजेस कैप्चर कर रहा था पोर्ट्रेट मोड में। उन्हीं सिचुएशन में Redmi Note 7 Pro थोड़े से वाइट टोन में है लेकिन कंपैरिजन वाइज ज्यादा एक्यूरेट इमेजेस कैप्चर कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मिल रही थी जहां K20 काफी एक्यूरेट डायनेमिक रेंज बैलेंस करके कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था। आप देख सकते हैं जो हेयर का कलर है वो कुछ ब्राउन टोन के साथ सिचुएशन में रिप्रोड्यूस हो रहा था, कुछ उसी तरह से कैप्चर किया है K20 ने। Redmi Note 7 Pro ने यहाँ पे कुछ ब्लैक टोन में कैप्चर कर लिया। इसके साथ साथ हमें ऐसी भी कंडीशन मिली जहाँ K20 स्किन को थोड़े से सॉफ्ट कर रहा है, येलो टोन में जा रहा है, और जो हेयर है उन्हें ज़्यादा ही ब्राउन टोन में कैप्चर कर रहा है, जबकि इन सिचुएशन में Note 7 Pro ज़्यादा एक्यूरेट इमेजेस कैप्चर करता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का मिक्स रिजल्ट था। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का ही पोर्ट्रेट मोड बहुत एक्यूरेट है और आपको दोनों से ही कैप्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके साथ साथ Redmi K20 में आपको इमेजेस कैप्चर करते टाइम एपिचर वेरी करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप इमेजेस कैप्चर करते टाइम ही डिसाइड कर सकते हैं आपको बैकग्राउंड कितना ब्लर रखना है। K20 में आपको यहाँ पे 1.5x अप्रोक्स जूम के साथ पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसा पहले Redmi के डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता था, यानी कि 1.5x
जूम के साथ पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पोजीशन से, दोनों का ही रेजोल्यूशन आपको 12MP का ही मिलेगा। तो पोर्ट्रेट मोड में हमें कुछ इसी तरह का डिफरेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंडीशन में आपको वीडियो फुटेज कैप्चर करके दिखा रहे हैं, किस तरह की फुटेज कैप्चर कर रहे हैं दोनों। तो Redmi Note 10 Pro में अब हमें फ्रेमिंग्स होती हुई दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि काफी स्टेबल वीडियो कैप्चर करता है इवन ओवरहीट होने तक की सिचुएशन में। तो हम आपको यही शो कर रहे हैं कि इस अपडेट के बाद एक्चुअल कैमरा कंपेरिजन बनता है Redmi Note 10 Pro का लगभग हर उस मिड रेंज के डिवाइस से जिससे अभी तक हमने कैमरा कंपैरिजन में वीडियो टेस्ट नहीं किया था। तो हमारे हिसाब से जब ऑब्जेक्ट बड़ा है तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं जा रही। और क्लोज जाएं अगर हम, दोनों में ही आपको क्वालकॉम के ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगे मिल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर आपको Redmi K20 में लगा मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों के सीपीयू का बेंचमार्क कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं चाहे वो सिंगल कोर हो या फिर मल्टी कोर हो, दोनों के ही स्कोर में हमें Redmi Note 10 Pro आगे लगा, यानी कि स्नैपड्रैगन 675 का सीपीयू हमें स्नैपड्रैगन 730 से थोड़ा पावरफुल लग रहा है। ये सीपीयू की बात है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बेंचमार्क कैलकुलेट करके आपको शो करें तो आप देख सकते हैं ओवरऑल बेंचमार्क कैलकुलेट करने के ड्यूरेशन में 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करते हैं और ये 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करने के बीच में हमें डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं K20 यहाँ पे थोड़ा स्मूथ ग्राफिक्स को रेंडर कर रहा था कंपैरिजन वाइज Note 7 Pro। और अगर हम यहाँ पे दोनों के ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं 198,000 के अप्रोक्स बेंचमार्क शो कर रहा है K20, जबकि 179,000 का अप्रोक्स बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे शो कर रहा है Redmi Note 10 Pro, यानी कि दोनों के बीच में 19,000 का बेंचमार्क का डिफरेंस है जो दोनों के जीपीयू के डिफरेंस के कारण आ रहा है। आप देख सकते हैं जो सीपीयू का स्कोर है वो Redmi Note 10 Pro का ज्यादा है, लेकिन जो जीपीयू का स्कोर है वो काफी ज्यादा है K20। तो अगर हम इसके बाद रियल टाइम में टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं कि दोनों की परफॉर्मेंस रियल टाइम में किस तरह की रहती, तो यहाँ पे हम अलग अलग तरह के स्पीड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गेम्स एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे टेंपल रन 2 ओपन किया। अगर टेंपल रन 2 के लोडिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्लियर विनर है Redmi Note 10 Pro, उसके बाद K20 ने ओपन किया। फिर हमने यहाँ पे एक और नॉर्मल गेम ओपन किया जो है सबवे सर्फर, और सबवे सर्फर के लोडिंग टाइम की बात करें तो सबवे सर्फर के भी लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Redmi Note 7 Pro, यानी कि स्नैपड्रैगन 675 अभी लीड पर चल रहा है स्नैपड्रैगन 730 के कंपैरिजन में। फिर हमने यहाँ पे एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है एसफॉल्ट 8। एसफॉल्ट 8 एक हाई ग्राफिक्स गेम है। आप देख सकते हैं एसफॉल्ट 8 के लोडिंग टाइम में हमें क्लियर विनर मिला है Redmi Note 10, यानी कि Redmi Note 10 Pro ने अभी तक 3 गेम को पहले ओपन कर दिया है K20 के कंपैरिजन में। फिर हमने यहाँ पे एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जिसका नाम है कवर फायर, और अगर हम यहाँ कवर फायर के लोडिंग टाइम की बात करें तो कवर फायर के लोडिंग टाइम में माइनर डिफरेंस के साथ K20 ने पहले लोड लिया, यानी कि 3 और 1 का स्कोर अभी तक हमें चलता हुआ नजर आ रहा था। फिर हमने यहाँ पे एक और गेम ओपन किया जिसका नाम है PUBG। PUBG एक हाई ग्राफिक्स गेम है, तो यहाँ पे प्रोसेसर के साथ साथ GPU भी यूज होता है। तो आप देख सकते PUBG के लोडिंग टाइम में क्लियर विनर है Redmi K20, यानी कि Redmi K20 ने अभी तक 2 गेम को पहले ओपन किया है जबकि 3 गेम को ओपन कर लिया है Redmi Note 10 Pro ने। के बाद हमने Mortal Kombat ओपन किया। Mortal Kombat के लोडिंग टाइम में हमें कोई माइनर डिफरेंस भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट में कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें Redmi Note 10 Pro फिलहाल हमें लीड पर चलता हुआ नजर आ रहा था। फिर हमने दोनों को ही रीबूट किया, और अगर हम यहाँ पे रीबूट टेस्ट के रिजल्ट की बात करें तो रीबूट टेस्ट के रिजल्ट का क्लियर विनर है Redmi Note 7 Pro, यानी कि स्पीड टेस्ट में अभी तक हमें Redmi Note 10 Pro थोड़ा लीड में लग रहा है एज कम्पेयर K20। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मेजर करके आपको दिखा दे दोनों ही डिवाइस की, तो इंटरनेट स्पीड मेजर करने के लिए हमने दोनों में ही जियो की सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है, और साथ में दोनों से एग्जैक्ट सेम सर्वर से कनेक्ट होकर स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हर एक चीज बिल्कुल सिमिलर है। और सेम टाइम में जब हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो हमें दोनों के बीच में लगभग हर एक टेस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। ये डिफरेंस डाउनलोड स्पीड का था, अपलोड स्पीड में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, लेकिन डाउनलोड स्पीड में लगभग हमें हर एक बार
K20 लीड पर लगा और काफ़ी ज़्यादा लीड पर लगा। कुछ सिचुएशन में तो ये 10 टाइम्स तक जा रही थी स्पीड, यानी कि अगर इसमें 1 MB मिल रही तो उसमें 10 MB मिल रही थी, और कुछ सिचुएशन में ये 3-4 टाइम जा रही थी, लेकिन हर एक सिचुएशन में K20 लीड पर था, यानी कि नेट वेलोसिटी में इंटरनेट स्पीड का क्लियर विनर है K20। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने प्ले स्टोर से गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करी, और यहाँ पे भी हमें कुछ उसी तरह का रिजल्ट देखने को मिला, यानी कि K20 ने इसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, फिर Redmi Note 10 Pro ने किया, तो हम ये बोल सकते कि इंटरनेट स्पीड का क्लियर विनर है K20। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें, और गेमिंग में सबसे पहले आपको पबजी की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दे, तो दोनों में ही आपको HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें, तो गेम प्ले दोनों का स्मूथ है, ऐसा नहीं कि K20 का स्मूथ है या फिर Note 10 Pro का, हमें तो दोनों का ही स्मूथ लगा। मल्टी टच या टच का कोई इशू नहीं है। अगर आप K20 भी लेते हैं तो आपको पबजी में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, और Redmi Note 10 Pro में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। हालांकि हल्का फुल्का हीट हो जाते हैं मोबाइल जब पबजी प्ले करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं था, ग्राफिक्स को रेंडर करने में दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे मॉर्टल कॉम्बैट भी प्ले किया, और मॉर्टल कॉम्बैट के ग्राफिक्स को रेंडर करने में दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, यानी कि दोनों स्मूथली ग्राफिक्स को रेंडर करके गेम प्ले कर रहे थे। तो गेमिंग से रिलेटेड अगर आपको मोबाइल लेना है तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। GPU के मामले में देखा जाए तो K20 हमें थोड़ा आगे लगा है, लेकिन उसके बाद भी गेमिंग दोनों में ही हमें बिल्कुल सिमिलर मिलती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड और फेस अनलॉक की बात करें, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है K20 में, जबकि बैक बॉडी पर मिल रहा है Redmi Note 10 Pro में। और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड वैसे तो हमें स्क्रीन वाली भी काफी फास्ट लगी, लेकिन Redmi Note 10 Pro की जो बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आपको डिस्प्ले पे मिल रहा है, क्योंकि डिस्प्ले के फिंगरप्रिंट स्कैनर की अभी मैक्सिमम स्पीड कुछ इसी तरह की आई है। और अगर हम यहाँ पे फेस अनलॉक की बात करें, तो फेस अनलॉक थोड़ा सा टफ है या टिपिकल है K20 में एज कम्पेयर Redmi Note 10 Pro। Redmi Note 10 Pro में भी कोई फास्ट फेस अनलॉक नहीं है, लेकिन कंपैरिजन वाइज K20 के आपको थोड़ा फास्ट मिलेगा, क्योंकि K20 में जो कैमरा ओपन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और ये आप लॉक बटन दबा के ओपन नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे एक बार स्वैप करना पड़ेगा या फिर स्लाइड करना पड़ेगा स्क्रीन को। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही फेस के थ्रू अनलॉक होता है, जो हमारे हिसाब से ज़्यादातर सिचुएशन में यूजलेस है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 100% बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, तो 100% बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमने दोनों 100% चार्ज किया था, दोनों में ही आपको 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। बस यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको K20 में मिल रहा है, जबकि Redmi Note 10 Pro में आपको LTPS IPS डिस्प्ले लगा मिल रहा है। तो दोनों की टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंस है, लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी हीट कम करने के साथ साथ बैटरी कंजप्शन को रोकने के लिए बनाई गई है। तो अगर हम यहाँ पे बैटरी ड्रेन की बात करें, दोनों में एग्जैक्ट सिमिलर बैटरी है, सेम टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं फुल ब्राइटनेस लेवल पे। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जियो की सिम लगाई है, जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है, और यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हुआ हमारे टेस्ट में वो है Redmi Note 7 Pro। Redmi Note 10 Pro को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में 5 और 14 मिनट के आसपास का टाइम लग गया, जबकि अगर हम यहाँ पे K20 की बात करें, तो K20 ने काफी अच्छा बैटरी बैकअप दिया है, और Redmi Note 7 Pro से इसने 27 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है, यानी कि 27 मिनट ज्यादा चला है K20 एज कम्पेयर Note 7 Pro। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें, तो दोनों के ही हमने रेगुलर चार्जर यूज़ किए जो बॉक्स के साथ आए थे, जिसमें K20 में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, और खुद की डेटा केबल यूज़ करी। तो Redmi K20 को कंप्लीट चार्ज होने में जो टाइम लगा वो है 1 आवर 52 मिनट का, जबकि ये 90% चार्ज हो गया था 1 आवर 20 मिनट में। इसे लास्ट के 10% को चार्ज करने में 30 मिनट के आसपास का टाइम लग गया। सेम हमें Redmi Note 10 Pro में भी देखने को मिला, 1 आवर 50 मिनट के आसपास Redmi Note 10 Pro 90% तक चार्ज हो गया था, और 2 आवर 22 मिनट के आसपास Redmi Note 10 Pro कंप्लीट चार्ज हुआ, यानी कि Redmi Note 10 Pro को भी लास्ट के 10% को चार्ज करने में 30 मिनट लग गए। और यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टाइम में K20 विनर है। कैमरे में आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। स्पीड टेस्ट में हमारे हिसाब से Redmi Note 10 Pro काफी आगे था, और इंटरनेट स्पीड टेस्ट में K20 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप कमेंट करके ये बताइए आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी प्राइस वाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।